हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम ऑल ऑफ यू इन द न्यू रिएक्शन वीडियो। होप सो यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल बहुत ही प्यारा है कि ये वाक्य आपकी ज़िंदगी बदल देगा, ये बयान जो है आपकी ज़िंदगी बदल देगा। सो बयान है बाय रज़ा साकिब मुस्तफ़ा जी, एंड उनके मैंने बहुत सारे बयान वैसे बना के रखे हैं। सो इस बयान में पता नहीं ऐसा खास क्या होने वाला है, सो अभी सुनते हैं हम लोग इस बयान को। तो बाकी आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर करें, इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो करें। अभी जो है हम उनका बयान सुनते हैं। अल्लाह का एक बंदा था, वो बाजार से गुजर रहा था, बल्कि उसकी रहमतें बहाने ढूंढती हैं। ज़रा देखिए मंजर, उसने देखा एक शराबी है, वो गंदी नाली पे गिरा हुआ है और गंदे पानी से उसका मुँह गंदा हो रहा है। इंसान के एहतराम के नाते दिल में तरस जागा और उसको वहाँ गंदी नाली से उठाया और उसका मुंह धोया और घर का रास्ता दिखाया। खैर, शाम हुई, रात पड़ी, जब पिछला पहर हुआ तो वो बुज़ुर्ग जिन्होंने दिन को शराबी का मुंह धोया था, तो वो मस्जिद में तहज्जुद पढ़ने के लिए आए तो क्या देखा कि वही शराबी जो दोपहर को गंदी नाली पे धुत पड़ा था, आज उस बुज़ुर्ग से भी पहले मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है। तो बड़ी हैरत हुई कि ये तो वो दिन वाला शराबी है और मैंने आज इसका मुंह धोया था, नशे में धुत पड़ा था। तो हैरत का इजहार किया तो हातिफ से आवाज आई, मेरे बंदे तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने इसका दिल धो दिया। तो जब बंदा अल्लाह के हुजूर तौबा करता है, उसके हुजूर माफी मांगता है, तो फिर वो कितना अता करता है। और बंदे के गुनाहों को माफ ही नहीं करता बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल के रख देता है। ये बंदे पर अल्लाह की करम नवाजियों के बरसते रंग हैं। अत्तायब मिन ज़म्ब कमल ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसे उसने गुनाह किया हुआ ही नहीं। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन एक शख्स अपना नामा अमाल खोलेगा और उसे फरमाया जाएगा कि अपने नामा अमाल को पढ़ो, तो वो नामा अमाल पढ़ना शुरू करेगा। अब उसने बड़े बड़े जुर्म किए होंगे और छोटे छोटे गुनाह भी किए होंगे। अब अल्लाह से हया करते हुए, शर्म करते हुए, जो बड़े गुनाह हैं उनको छोड़ता जाएगा, सरफ नज़र करता जाएगा और छोटे छोटे गुनाह पढ़ता जाएगा। जब वो सारा नामा अमाल पढ़ चुकेगा तो आवाज़ आएगी, बंदे जा, मैं तेरे सारे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया। तो वो कहेगा, ए अल्लाह, अभी तो मेरे बड़े बड़े गुनाह रहते थे जो मैंने अभी पढ़े ही नहीं। तो जब ये बात अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाई तो हुजूर इतना मुस्कराए कि सहाबा को हुजूर की दाढ़े नजर आने लगी। पहले वो कह रहा है कि छोटे छोटे गुनाह पढ़ते और बड़े छोड़ता चला जाता है, और जब ये उसे पता चला कि इन गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया जाएगा, तो वो कहता है अभी तो बड़े बड़े गुनाह मेरे रहते थे। तो अल्लाह की ये करम नवाजियों के रंग है कि वो गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। और बंदा जितना बड़ा गुनाहगार था, जब सच्चे दिल से उसके हुजूर तौबा करने के लिए हाजिर होता है तो फिर उतना ही बड़ा नेकोकार बन जाता है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था और आप जानते हैं वो हाथ में दुर्रा रखते थे और गलियों में गश्त किया करते थे रात को। दिन को भी आप देखते तो एक शराबी था जो हाथ में शराब की बोतल लिए आ रहा था। अचानक गली का मोड़ काटा तो आगे हजरत उमर आ रहे थे। एकदम डर गया और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, हजरत उमर के कहर से बचा ले, सारी ज़िंदगी शराब नहीं पीऊँगा। सच्ची तौबा कर दी और जल्दी से वो शराब की बोतल बगल में दबा ले। इतने में हजरत उमर भी सर पर पहुँच गए और कड़क के कहा, गरज के कहा कि ये तेरे पास क्या है? तो थी तो शराब। अब डरते हुए उसने कहा, हुजूर ये सिरका है। तो हजरत उमर फरमाए, निकालो। अब वो थर थर कांप रहा है और बगल से वो शराब की बोतल निकाली। जब निकाला तो वो शराब नहीं थी, सिरका बन चुका था। तो जो अल्लाह शराब को सिरके में बदल देने पे कादिर है, वो गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। तो ये एक सूरत दिखाई कि देखो, ये शराब को सिरके में तब्दील कर दिया, तुम्हारे गुनाह भी नेकियों में तब्दील कर देंगे।
तुम आओ तो सही उसकी चौखट पे, तुम हाथ तो फैलाओ। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैह रहमा कशफुल माजूब के अंदर लिखते हैं कि जो फरमाया गया कि जिसने तौबा की अल्लाह ने उसकी मगफरत कर दी, तो एक बुजुर्ग का कौल नकल किया कि जिसको अल्लाह ने बख्शना था अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक दे दी, उसको बुलाया ही उसे है जिसकी उसने मगफरत करनी थी। तो तौबा की तौफीक का नसीब हो जाना ये अल्लाह की खास रहमतें हैं, और तौबा करने वाला अल्लाह की खास रहमतें पाता है। तौबा करने वाला जब उसकी हुजूर हाजिर होता है तो अल्लाह ताला इस पे बहुत खुश होता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बाकायदा एक मिसाल से ये हकीकत समझाई कि तौबा करने वाले के लिए अल्लाह की खुशी का आलम क्या होता है, अल्लाह कैसे खुश होता है तौबा करने वाले पर। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक बंदा लंबा सफ़र करके और सहरा के अंदर एक लंबे सफ़र पे था, तो रास्ते के अंदर उसने चंद लम्हों के लिए सस्ताने के लिए दोपहर काटने के लिए एक दरख्त के साथ अपना जानवर बांधा और ख़ुद सो गया। उसका ख्याल था चंद लम्हों के लिए आँखों की नींद निकालूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, इसलिए उसने सामान भी सवारी ऊँट के ऊपर जो लदा हुआ सामान था उसमें खाना था पीना था दीगर ज़रूरियात की चीज़ें थी तो वो भी नहीं उतारा, कुजावे पर ही पड़ा रहा कि चंद लम्हों के लिए मैंने कमर सीधी करनी और आगे चले जाना है। तो थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि ऊँट माँ साजो सामान के गायब है। तो सहरा में ऊँट का गुम जाना जिंदगी गुम जाने के मुतरादिफ है, ता हद नज़र ना कोई आबादी ना कोई इंसानी वजूद, तो फिर जिंदगी नहीं मौत के मुंह में अपने आप को धकेल लेना है जंगल में अगर आपके पास कुछ बाकी नहीं बचता है। तो उसने देखा कि सवारी गायब है, सवारी गायब है तो उसके ऊपर जो सामान था वो भी गायब है, तो वो दाएं बाएं भागा दौड़ा इस ख्याल से कि मैं जो है वो अपनी सवारी को तलाश कर लूँ, लेकिन सवारी नहीं मिल पाई। तो फिर वो दोबारा आया और उसी जगह बैठ गया, अब मौत का इंतज़ार करने लगा। चूँकि सहरा में सवारी गुम गई और मीलों तक इंसानी आबादी ही नहीं है, तो वही प्यास से हलकान हुआ, बेचैन हुआ, वहाँ दरख्त के साथ टेक लगा के मौत का मुंतज़र होके बैठ जाता है, और यूँ बैठे बैठे उसकी आँख लग जाती है। अचानक उसकी आँख खुलती है तो क्या देखता है कि ऊँट माँ साजो सामान के पास खड़ा है। तो ऊँट का मिलना ज़िंदगी मिल जाना था, तो वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि खुशी से उसकी ज़ुबान बल खा गई। वो क्या, किसी ने कहा ना कि जब भी तेरी कुर्बत के इम्कान नज़र आए हम इतने खुश हुए कि परेशान नज़र आए। तो कहना तो ये था कि ए अल्लाह तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा, लेकिन वो खुशियों के हुजूम में दरक गया और क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व आना रब्बु का, ए अल्लाह तू मेरा रब, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। तो इस कदर वो खुशियों में दरक गया कि उसको अपनी ज़ुबान पे काबू और कंट्रोल न रहा। किसी के आने से ऐसे होश उड़े साकी के शराब सीख पे डाली और बोतल में कबाब। तो कहता अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व आना रब्बु का, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। तो ये उसकी ज़ुबान काबू में ना रही और वो बल खा गया, खुशियों का हुजूम ऐसा हुआ। तो अल्लाह के महबूब ने ये मिसाल बयान करने के बाद इरशाद किया, मुझे बताओ उस बंदे को कितनी खुशी हुई कि ज़ुबान पे काबू नहीं, जज्बात पे कंट्रोल नहीं, कहना कुछ है बोल कुछ रहा है। तो सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर बहुत खुशी है। तो फरमाया, जिस तरह ये बंदा ऊँट के मिलने पर वापस आने पर खुश हुआ, हत्ता कि खुशियों के हुजूम में इसकी ज़ुबान भी काबू में नहीं रही, ये बता रहा है खुशियों के वफूर का आलम और मुसर्रतों और जो है वो खुशियों की कसरत का आलम बता रहा है। तो फरमाया, ये बड़ा खुश हुआ जब कोई बंदा पलट के मालिक की दहलीज पे आता है, अल्लाह इससे भी ज़्यादा खुश होता। वाह, क्या बयान है कि जब जो है कोई गलतियां करके सही रास्ते पे आने की कोशिश करे तो अल्लाह जो है उसको माफ़ कर देते हैं एंड उसकी सारी गलतियों को पे पर्दा डाल के उसकी अच्छाई को देखते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर आप जितने मर्जी अच्छे काम करो लेकिन आपका एक गलत काम आपको गलत बना देगा।
सो यही है कि गलत काम नहीं करने चाहिए वैसे, क्योंकि गलत कामों से कुछ नहीं मिलता है। हमेशा जो है लोग जो हैं आपको बढ़ावा देते हैं कि करो करो, लेकिन नहीं करना चाहिए। सो ये उन्होंने बताया कि हमें जो है गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें सही राह पे चलना चाहिए। सो ये बयान था रजा साकिब मुस्तफ़ा जी का। होप सो कि आपको रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो मुझे आप लोग कर सकते हो। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक जो है आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पर रहें और सेफ रहें। बाय बाय एवरीवन।